तो गाइस हम लोग आए हुए हैं आज एक जगह है, आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए बिल्डिंग बनी हुई है और बिल्डिंग में जो है ना वो ये शिप की शेप इन लोगों ने दी हुई है बिल्डिंग को। देखें इस साइड से भी जो है वो इस तरह इसके स्टेप्स आ रहे हैं लास्ट में यूँ, और यूँ फिर जैसे शिप आती है ना उस साइड पर भी, ये देखें आप लोग यहाँ से भी जो स्टेप्स हैं ना वो इसी तरह आ रहे हैं। तो आगे आप लोगों को दिखाते हैं कि हम किधर आए हैं। और वैसे मैंने आपको कहा कि मैं इधर से गुजरी तो ये जगह आपको दिखा दूँ। तो इस साइड पे जो है वो फुल बीच है और यहाँ पे ये जो है अब ये होटल है या बिल वैसे अपार्टमेंट्स है अंदर क्या है इस चीज़ का तो मुझे नहीं पता। तो वैसे ये मैं आप लोगों को तो ये मज़े की लगी थी, ये जो है लोगों ने शिप की जो है वो बनाई हुई है। और वो रहे सामने अली और जावियार। तो अभी चलते हैं आप लोगों को दिखाते हैं बहुत अच्छी जगह। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अवर फैमिली विद अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, होपफुली ठीक ठाक ही होंगे और हम भी ठीक ठाक हैं। ईद सबकी कैसी गुजरी? आज ईद का तीसरा दिन है, दो दिन तो मैं काम पे था पहले, इसीलिए मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया, तो इसीलिए ईद मुबारक। वैसे तो ईद खत्म हो गई है तो ईद मुबारक। आज आखिरी दिन है, अभी आज खत्म है। हाँ ये तो है। तो आप लोगों को मैं बताती हूँ हम लोग किधर आए हुए हैं। ये जगह है एम्पोरिया ब्रावा नाम है इस जगह का। और जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट, जिस तरह इटली में उस जगह का नाम है बेंसिया, वो जो पानी में है वो तो खैर पूरा शहर है शायद पानी में, लेकिन यहाँ पे जो है ना इन्होंने कुछ थोड़ी बहुत गलियाँ जो है ना पानी में की हुई हैं। और जो है यहाँ पर बोट में जो है वो अंदर सब जगह जाते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बैक कैमरा ऑन करके कि किस तरह के जो है ना वो बैक कैमरा ऑन करके दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखें गाइज, तो ये जो है ये तो पॉइंट है जहाँ से बोट वगैरह चलती है यहाँ पे। और आगे जो है ना अगर हम आगे पैदल जाते हैं आगे, वैसे हम हो आए, मैंने कहा था मेन पॉइंट से आप लोगों को दिखाऊंगी। देखें यहाँ से जो है ना ये बोट पे बैठते हैं और वो फिर हमें आगे लेके जाते हैं। ये देखो ये महल में बाय करने के लिए, बाय करने के लिए हाँ 1,10,000 यूरो, ज़्यादा ही बाय ही है, 1,25,00,000। नहीं ये तो अली घर नहीं लगे हुए, रुक जा मैं पैसे तो पूछ के आऊँ। वो तो ये देखें इस तरह आगे और भी जो थोड़ी बहुत गलियां हैं उसमें भी पानी, और इस तरह घर को घरों के जो दरवाजे हैं ना वो बाहर निकल रहे हैं। जैसे वही इटली का एक शहर है, नाम तो मुझे नहीं पता, वीनस। और यहाँ पे ये जो है उस तरफ भी उसी तरह है। मसला सबसे ज़्यादा ये है कि गर्मी बहुत लग रही है और लोग तो पता नहीं कैसे इंजॉय कर रहे हैं। मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, अली को भी बहुत गर्मी लग रही है, कह रहे हैं रात को बंदा है ना तो मज़ा आए। तो रात को तो वही आए जो स्टे भी करे, लेकिन नहीं हम भी आ सकते हैं। हमारे यहाँ से तकरीबन 1 hour 30 minutes का जो है वो रास्ता पड़ा था। तो ये देखें बैक कैमरा ऑन कर, बैक कैमरे से दिखाते हैं। ये देखें गाइस अच्छा व्यू आ रहा है। और यहाँ पे जो ज़्यादा मेन देखें काम है ना वो बोट्स का है, साइकिलिंग का। इन लोगों ने रेंट पे पर आवर के हिसाब से साइकिलिंग के लिए वो दे रहे हैं, बोट के हिसाब बोट का दे रहे हैं, बोट का तो 8 hours का भी दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है उन्होंने बोट रखी हुई है, किसी की अपनी है जी, ये तो बोट है रेंट। ये देखें गाइस यहाँ पे भी ये इसी तरह घरों के बाहर दरवाजे हैं, और इस तरह सॉरी यहाँ पे जो है वो बाहर सबकी ना महल में अपनी अपनी जो है वो बोट्स हैं। ये महल में रिहाइश है लोगों की ना, जहाँ पे लोगों के अपने अपने घर हैं। तो ये देखें, लेकिन वो वाला सिस्टम तो नहीं है कि अंदर का जो निज़ाम है वो सिर्फ बोट से चल रहा है, ये लोगों ने वैसे ही रखी है जो तब इंजॉय करने के लिए ना।